वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 जनवरी है। आज करंट अफेयर्स में कुल 8 टॉपिक्स हैं। आज का पहला टॉपिक है आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। यह कॉम्प्लेक्स हजीरा गुजरात में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे 19 जनवरी को देश को समर्पित कर दिया है। इस कॉम्प्लेक्स में शुरू शुरू में 100 हवेजर आर्टली गन्स बनेंगे। हवेजर आर्टली गन्स अमेरिका में होते हैं, उसी तर्ज पर इंडिया में भी बनाया जाएगा। इसे बनाएगी L&T कंपनी। इसका इंडिया में नाम रखा है केनन वज्रा। तो कहा जाए कि 100 केनन वज्रा बनेगा। और ये हवेजर आर्टली गन्स क्या होता है, तो साधारण भाषा में कहें तो तोप होते हैं। तो 100 तोप बनेंगे इंडिया में, नाम होगा केनन वज्रा, बनाएगी L&T कंपनी, जो हजीरा में उनका प्लांट है वहाँ से बनेगा। हजीरा का प्लांट L&T कंपनी का पहला प्लांट है। हजीरा का प्लांट ये तो गन बनाएगा, बाद में FICV फ्यूचर इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स, FRCV फ्यूचर रेडी कम्बैट व्हीकल्स भी बनाएंगे और भी हथियार बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने 19 जनवरी को। दूसरा टॉपिक है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि महिलाओं की संख्या मिलिट्री पुलिस में 20% तक कर दी जाएगी। अब महिलाएं भी रिक्रूट होंगी मिलिट्री पुलिस के लिए और धीरे धीरे इनका रिक्रूटमेंट बढ़ाकर जितनी संख्या मिलिट्री पुलिस में होती है उस संख्या का 20% तक महिलाएं हो जाएंगी। ध्यान रखना है कि यह बिलो ऑफिसर रैंक की होंगी, बिकॉज ऑफिसर रैंक में पहले से ही महिलाएं हैं, आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं और एयरफोर्स में भी हैं। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। टॉपिक नंबर 3 में कहा गया है, पंजाब सरकार ने घोषणा करी है कि जो यूथ, पंजाब का यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पुणे में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडल जीतते हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम पुणे में हो रहा है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा एडिशन है। यह 18 इवेंट्स इसमें हो रहा है जिसमें करीब 9000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 पे आते हैं। टॉपिक नंबर 4, US प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनके मीटिंग के बारे में है। ध्यान रखना है कि इनकी मीटिंग पहली मीटिंग हो गई थी 12 जून 2018 को ही सिंगापुर में। अब इनकी दूसरी मीटिंग की बात चल रही है और यह प्रस्तावित है कि दूसरी मीटिंग फरवरी के अंत में होगी दोनों के बीच। इस मीटिंग का उद्देश्य है कि नॉर्थ कोरिया के जो नाभिकीय हथियार हैं और मिसाइल्स हैं उन सबको ख़त्म कर देना है। 5 नंबर टॉपिक है इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। ध्यान रखना है कि इंडिया का डिफेंस बजट होता है 24,42,000, जो अभी इस फाइनेंशियल ईयर का है, फाइनेंशियल 17-18-19 का जो डिफेंस बजट है वो है 24,42,000। बट अच्छी बात इसमें कही गई है, इस टॉपिक में कहा गया है कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का क्रॉस कर जाएगा इस फाइनेंशियल में 10,000 करोड़। डेफिनेटली हम 24,42,000 करोड़ के करीब डिफेंस बजट में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह जो 10,000 करोड़ है इसके पहले वाले साल में यह 4,500 करोड़ था और उसके पहले वाले साल में मतलब 16-17 के फाइनेंशियल में यह 1,500 करोड़ था। इसका मतलब है डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में डिफेंस एक्सपोर्ट था 1,500 करोड़, 17-18 में वो तिगुना होकर 4,500 करोड़ हो गया और 18-19 में यह 10,000 करोड़ को पार कर जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये टॉपिक नंबर 5 है। 6 नंबर टॉपिक है 10/18 के बारे में। इसे डिस्कस कर लिया गया है 10/18 को। 10/18 कहा जाता है कि जब 10/18 की का आइडिया आया और 10/18 बन गई तो पूरा समय 18 मंथ्स लगा था, इसलिए उस 10 का नाम 10/18 रख दिया गया। अब 10/18 की विशेषताएं हम जानते हैं पहले से कि वो फुली एयर कंडीशन है, सेमी हाई स्पीड मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम ये भी जानते हैं कि वो दिल्ली से बनारस तक के लिए तय की गई है, दिल्ली से बनारस तक चलेगी। अब इसकी विशेषताओं को देखकर
दूसरे देश टेन एटीन के इंपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। देशों का नाम लिखा है, पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड और भी जो मध्य एशिया के एशिया कंट्री हैं, मध्य, वो सब भी बोल रहे हैं कि 1018 उनको चाहिए होगा। तो और कहा गया है कि 1018 के स्टैंडर्ड का ट्रेन जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है उसका प्राइस है कम से कम 250 करोड़, जबकि इंडिया की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसे 100 करोड़ में ही बना लिया है। तो इस तरह से दूसरे देशों को भी 250 करोड़ तो देना नहीं पड़ेगा, कम ही देना पड़ेगा। तो उसी जिस तरह का चाहिए उस तरह का सस्ता मिल रहा है इंडिया में, तो वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इंडिया से इसको इंपोर्ट किया जाए, खरीदा जाए। अब आते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। टॉपिक नंबर 7 है, बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पब्लिकेशंस में हम नंबर 3 पे हैं। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे पास है, पब्लिश किया हुआ है, उसमें नंबर 3 पे हम हैं। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अमेरिका है। हमने अभी तक कुल 12,135 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जबकि चाइना करीब 35,000 प्लस और अमेरिका 32,000 प्लस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर चुके हैं। तो इस तरह से हम 3 नंबर पे हैं। और इसे किसने बताया है? इसे बताया है इंडिया की एजेंसी है जिसका नाम है इतिहासा। रिसर्च एजेंसी इतिहासा ने बताया है कि हम 3 नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, 3 नंबर पे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के रिसर्च मटेरियल को पब्लिश करने में। इतिहासा को किसने स्थापित किया था? लिखा गया है क्रिश गोपाला कृष्णन ने स्थापित किया था इसे। टॉपिक नंबर 8, इसमें बताया गया है कि डिफेंस कॉरिडोर, सेकेंड डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन होगा आज, अर्थात 20 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन करेंगी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। वे इसका नाम है सेकेंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और तिरुचिरापल्ली में वो इसका उद्घाटन करेंगी। और पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ में पहले से ही स्थापित हो गया है, इसका उद्घाटन अगस्त 18 में हो चुका है। और इन दोनों कॉरिडोर्स के स्थापित करने की घोषणा बजट में कर दी गई थी 2018-19 के बजट में। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी डिफेंस प्रोडक्शन होता है वह सब देसी हो, अपने देश में हो, अपने देश में तकनीक बढ़े, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। यह टॉपिक नंबर 8 था रिगार्डिंग सेकेंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। इस तरह से आज के टॉपिक्स फिनिश होते हैं। थैंक यू वेरी मच।